वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, इस चैनल पर मैं रेगुलरली आपके साथ शेयर करती हूँ हेयर केयर होम रेमेडीज़, DIYs, जैसे कि हेयर ऑयल्स, हेयर सीरम्स, हेयर टोनर्स, हेयर पैक्स, और इनके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो या तो आयुर्वेदिक होते हैं, हर्बल होते हैं, या फिर उनमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए होते हैं। लेकिन फिर भी हर हेयर केयर वीडियो के नीचे मुझे कुछ कमेंट्स ज़रूर मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई रहते हैं, या फिर हेयर रिलेटेड कोई ना कोई इशू बना रहता है और कोई भी रेमेडी काम नहीं कर रही है। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ हेयर केयर टिप्स जिनको मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ और मुझे रेयरली ही कभी किसी हेयर रिलेटेड इशू को फेस करना पड़ता है। सारे ही हेयर केयर टिप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ईजी है उनको फॉलो करना। उसके लिए आपको मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी है, कोई प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करना है, सिर्फ अपने डेली रूटीन में इन हेयर केयर टिप्स को आपको फॉलो करना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, काफ़ी बार होता है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ का पानी बहुत हार्ड होता है, हार्ड वाटर होता है या खारा पानी होता है, जिससे कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और बाल हमेशा ही ड्राई, रफ और डैमेज्ड रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। आप या तो अपना पीने वाला पानी ही अपने बालों के लिए यूज़ करें, यानी कि फ़िल्टर वाटर यूज़ करें अपने बालों को शैम्पू करने के लिए, वॉश करने के लिए, या फिर आप कर सकते हैं कि आप एक बाल्टी या दो बाल्टी जितना भी पानी आपको अपने हेयर वॉश में यूज़ करते हैं आप, उसको एक रात पहले उसमें गेहूं के दाने जितनी फिट करी, जिसको हम इंग्लिश में एलम बोलते हैं, वो उस पानी में डालकर छोड़ दें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखेंगे कि पानी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो सारी की सारी ऊपर तैर रही होगी। बस आप उस पानी की उस इम्प्योरिटी वाली लेयर को ऊपर से उतार देंगे और अब हमारा ये पानी एकदम प्योर है, साफ़ है बाल धोने के लिए। आप ऐसे पानी से बाल धोएंगे तो ना आपको हेयर फॉल होगा, ना आपके बाल ड्राई होंगे, ना रफ़ होंगे, ना फ्रिजी होंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको इस पानी से नहीं होगा। अब पानी के बाद बात आती है शैम्पू की, जो कि हम सभी यूज़ करते हैं अपने बालों को, अपने स्कैल्प को क्लीन करने के लिए। तो शैम्पू भी हमें अपने स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा स्कैल्प ड्राई है तो मुझे ऐसा शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो ड्राई बालों के लिए, ड्राई स्कैल्प के लिए बना हो। अगर मैं अपने ड्राई स्कैल्प के लिए ऑयली स्कैल्प या ऑयली बालों वाला शैम्पू यूज़ करूँगी तो मेरा स्कैल्प तो ऑलरेडी ड्राई है और वो ऑयली बालों के लिए, ऑयली स्कैल्प के लिए बना हुआ शैम्पू मेरे बालों या मेरे स्कैल्प पर जितना थोड़ा बहुत नेचुरल ऑयल होता है उसको भी रिमूव कर देगा, तो फ़ायदे के बदले वो मेरे बालों को और मेरे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी बात ये कि यूज़ करने चाहिए हमेशा ही ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स, शैम्पू भी, और अगर आप मार्केट वाला हेयर ऑयल या कोई कंडीशनर यूज़ करते हैं या किसी भी तरह का सीरम यूज़ करते हैं, तो हमेशा यूज़ करिए ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स जिनमें हार्मफुल केमिकल्स ना हों, जैसे कि उनमें सल्फेट, पैराबिन, SLS, SLES या मिनरल ऑयल जैसे हार्मफुल केमिकल्स उनके अंदर बिल्कुल भी यूज़ ना किए गए हों। क्योंकि एक्सटर्नली तो ये सारे केमिकल्स हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को, हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ जब हम इन्हें रेगुलरली लॉन्ग टर्म बेसिस पर यूज़ करते हैं तो ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी बहुत हार्म करते हैं। इन सारे हार्मफुल केमिकल्स से कैंसर जैसी डिजीज़ भी हो सकती है। तो जब भी कोई हेयर केयर प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही उसे परचेज करें, उसे सेलेक्ट करें अपने बालों के लिए। अब शैम्पू के बाद बात आती है कंडीशनर की। शैम्पू चाहे कितना भी जेंटल हो, कितना भी माइल्ड हो, वो हमारे बालों का नेचुरल मॉइस्चर तो कम करता ही है। तो शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर करें, और एक अच्छा कंडीशनर मैजिक की तरह काम करता है बालों के लिए। कंडीशनर के अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स जो हमारे बालों में किसी भी तरह की हेयर स्ट्रैंड्स में अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर करते हैं और साथ में बालों को बनाते हैं ग्लॉसी और शाइनी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइस कंडीशनर के बारे में, कि कोशिश करें कि आप जिस रेंज का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसी रेंज का कंडीशनर यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं शैम्पू किसी और रेंज का, आप अनियन रेंज का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं राइस रेंज का, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और कितनी बार क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स मिसमैच होते हैं
हैं तो हेयर रिलेटेड इश्यूज़ भी बन जाते हैं। और दूसरी एक और बात, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं मार्केट वाला कंडीशनर, तो इस चैनल पर आपको बहुत सारे होममेड हेयर कंडीशनर्स भी मिल जाएंगे और साथ में आपको हेयर रिंस भी मिल जाएंगे, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन शैम्पू के बाद अपने बालों को कंडीशन ज़रूर करें। अब बात आती है कि बालों को कितना फ्रीक्वेंटली शैम्पू किया जाए या कितना फ्रीक्वेंटली वॉश किया जाए, तो ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आप डेली बाहर जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं फिजिकली, आपको स्वेटिंग बहुत होती है, आपका स्कैल्प ग्रीजी रहता है, तो आप एवरी ऑल्टरनेट डे शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, आपका स्कैल्प इतना ग्रीजी ऑयली नहीं होता है, तो वीक में 2 बार शैम्पू करना ही सफिशिएंट है। अब शैम्पू हो गया, बालों में कंडीशनर हो गया, अब बात करते हैं बालों की स्टाइलिंग की। तो गीले बालों में कंघी बिल्कुल भी ना करें, कभी भी ना करें, जो कि मैंने देखा है कि 70-80% लोग अपने गीले बालों में ही कंघी करते हैं। गीले बाल बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो वो टूटते भी बहुत जल्दी हैं, और दूसरा स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम भी हमें हमेशा गीले बालों में कंघी करने की वजह से ही होता है। सो गीले बालों में ना तो आपको कंघी करनी है, ना ही आपको गीले बालों में कोई हीट देनी है। लोग बालों को जल्दी सुखाने के लिए ब्लो ड्राई करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब ज़रूरत हो तभी ऐसा करें, अगर बहुत ही अर्जेंट है तो ब्लो ड्राई करें, अदरवाइज़ अपने बालों को हमेशा ही एयर ड्राई करें। एयर ड्राई करने से हमारे बाल प्रोटेक्टेड रहते हैं, बालों में ब्रेकेज नहीं होता और बाल हेल्दी रहते हैं। जबकि अगर हम अपने बालों को ब्लो ड्राई करते हैं, ड्रायर से अपने बालों को सुखाते हैं, तो बालों का मॉइस्चर एकदम से रिमूव हो जाता है और बाल हो जाते हैं ड्राई, फ्रिजी और बीच से टूटने लगते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, यानी कि डाइट की। हमारे बाल 90% प्रोटीन है, तो हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स खानी चाहिए। हमारे बालों को चाहिए होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए बी, और साथ में बहुत सारे मिनरल्स भी। बालों की अच्छी हेल्थ के लिए हमारी डाइट में फॉलिक, मैंगनीज, कैल्शियम, इन सब चीज़ों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक बैलेंस्ड डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो होने ही चाहिए, साथ में सीड्स, नट्स, ये सब भी होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम सभी की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, और ऐसे में हम सभी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक कंप्लीट बैलेंस डाइट लेना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, जिन्हें हम ईजीली कंज्यूम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे स्प्रेड्स बहुत पसंद है, बिकॉज आई फील हेल्दी स्नैकिंग इज़ गुड। और अभी मुझे रिसेंटली पता चला इस स्टॉप हेयर फॉल मसाला स्प्रेड के बारे में। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा ये, और ट्राई किया तो मुझे काफ़ी टेस्टी भी लगा। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर आंवला, अश्वगंधा, मोरिंगा, एलोवेरा, इस तरह के हर्ब्स हैं, और साथ साथ 7 नट्स और सीड्स भी हैं। सो गाइज, ये है आयुर्वेद ब्रांड का स्टॉप हेयर फॉल मसाला स्प्रेड। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये 100% नेचुरल है, किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल कलर, फ्रेग्रेंस, टेस्ट, एडिटिव्स कुछ भी ऐसा इसमें यूज़ नहीं किया गया, सब कुछ एकदम नेचुरल है। नट्स हैं इसमें, हर्ब्स हैं, सीड्स हैं, तो इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, फॉलिक, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12, बायोटिन। दिस इज़ नॉट ओनली गुड फॉर हेयर फॉल, दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर बॉडी स्ट्रेंथ एंड जॉइंट पेन ऑल्सो। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, राइस ब्रैन ऑयल है, विटामिन ई है, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है इसमें, सीड्स में मेलन, सनफ्लावर, पम्पकिन सीड्स हैं, ज्वार है इसके अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फाइबर। हर्ब्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, मोरिंगा, आंवला, एलोवेरा है इसके अंदर, विटामिन B, C, D, E है। और सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है कि इतनी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होने के साथ साथ ये बहुत टेस्टी भी है, और इसको कंज्यूम करना बहुत ही ईजी है। मतलब इट्स लाइक अ पीनट बटर, आप चाहें तो इसको ऐसे ही स्पून से निकाल कर डायरेक्ट खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे ब्रेड पर, चपाती, पराठा, किसी पर भी स्प्रेड करके, रोल करके ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर कोई रिफाइंड शुगर नहीं है, कोई पाम ऑयल इसमें ऐड नहीं किया गया है, और ना ही कोई ट्रांस फैट है। खाने में भी बहुत टेस्टी है, मतलब अपने पीनट बटर को या जैम को हम ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं इससे टू बूस्ट अवर हेयर क्वालिटी एंड रिड्यूस हेयर फॉल।
ऑयलिंग की बात करें तो हेयर ऑयलिंग एक ऐसा पार्ट है हेयर केयर का जो बहुत ज़्यादा ओवरलुक किया जाता है। मतलब कुछ तो लोग ऐसे हैं जो कभी हेयर ऑयलिंग करते ही नहीं हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको बता दूं कि हेयर ऑयलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, हमारी ब्रेन मसल्स के लिए और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए। हेयर ऑयलिंग करने से बालों की रूट्स तक न्यूट्रिशन पहुँचता है, बालों की रूट्स स्ट्रांग होती हैं और जब बालों की रूट्स स्ट्रांग होती हैं तो हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, हेयर रीग्रोथ जैसे इशू कभी फेस करने ही नहीं पड़ते हैं। और आपको पता है जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं तो हेयर ऑयलिंग करते वक्त जो अपने फिंगर्स से हम स्कैल्प पर मसाज करते हैं उससे जितना भी प्रोडक्ट बिल्डअप होता है हमारे स्कैल्प पर उसकी ग्रिप लूज होती चली जाती है, तो उससे क्या होता है कि डैंड्रफ, इचिंग या किसी भी तरह के स्कैल्प इन्फेक्शन के चांसेस भी एकदम ख़त्म हो जाते हैं। तो हेयर ऑयलिंग ज़रूर शामिल करें अपने हेयर केयर रूटीन में। अब बात आती है कि कौन सा ऑयल यूज़ करें अपने बालों के लिए। तो आप अपने बालों के लिए कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आमंड ऑयल, सीसमे ऑयल, कैस्टर ऑयल, इनमें से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका बेस लेकर आप घर पर हर्बल हेयर ऑयल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इस चैनल पर भी, काफ़ी सारे हेयर ऑयल्स मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं। आप उनमें से ही कोई ऑयल बना सकते हैं और हेयर ऑयलिंग के बेनिफिट्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और अगर आप मार्केट के ऑयल परचेज़ करना चाहते हैं अपने बालों के लिए तो परचेज़ करते हुए आपको इन्ग्रीडियंट्स पर ध्यान ज़रूर देना है। आपको देखना है कि उनके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स ऐड ना किए गए हों, किसी भी तरह के पैराबेन, सल्फेट, SLS, मिनरल ऑयल, SLES, इस तरह के केमिकल्स बिल्कुल भी ना हो उस हेयर ऑयल में, और साथ में उसमें ना तो कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस हो और ना ही आर्टिफिशियल कलर ऐड किया गया हो। किसी भी तरह की हाई पोनीटेल्स या फिर टाइट पोनीटेल्स, स्ट्रेची हेयर स्टाइल्स आपको अवॉइड करने चाहिए क्योंकि इनसे हमारे बाल पुल होते हैं जिससे कि ट्रैक्शन एलोपीशिया या फिर हेयर लाइन रिसीडिंग जैसे इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। तो अपने बालों को हमेशा लूज टाई करें, इससे हमारे बालों का टूटना कम होगा। और अगर आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स रहते हैं तो आप देखोगे कि वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। बालों को कोम करना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है करेक्ट कोम चूज़ करना। हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक की या मेटल की कोम, उससे स्टैटिक क्रिएट होता है और स्टैटिक इमिजिएटली हमारे बालों का मॉइस्चर रिमूव कर देता है, बालों को ड्राई और फ्रिजी बनाता है। आपने नोटिस किया होगा और जब बाल ड्राई और फ्रिजी होते हैं तो बीच में से ज़रूर टूटते हैं, हमारे हेयर स्ट्रैंड्स ब्रिटल हो जाते हैं। और अगर हम वुडन कोम यूज़ करते हैं तो लकड़ी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती ही नहीं है, तो उससे स्टैटिक भी क्रिएट नहीं होता और साथ में वुड कोम यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे स्कैल्प और हमारे बालों के लिए। ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जेंटल होती है और साथ में डैंड्रफ, इचिंग या किसी भी तरह का स्कैल्प इन्फेक्शन जो है वो वुडन कोम यूज़ करने से तो बिल्कुल भी क्रिएट होता ही नहीं है। अब बात करते हैं केमिकल और हीट ट्रीटमेंट्स की अपने बालों पर। तो किसी भी तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कि कलरिंग या हीट ट्रीटमेंट्स जिनमें स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग, ये सब बिल्कुल अवॉइड करें अपने बालों के लिए क्योंकि ये हमारे बालों के लिए एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। आपको पता है कि केमिकल ट्रीटमेंट्स और हीट ट्रीटमेंट से हमारे बालों की जो अंदर तक की लेयर होती है हमारे स्ट्रैंड्स की वो तक डैमेज हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप स्ट्रेटनिंग कराते हैं या कलरिंग कराते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद बाल बुरी तरह से ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि बाल कलर कराए थे या स्ट्रेटनिंग कराई थी या पर्मिंग कराई थी और अब बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है और बाल बहुत रफ़ और फ्रिजी हो गए हैं। सो अवॉइड करें इस तरह के हीट और केमिकल ट्रीटमेंट्स अपने बालों पर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस, जो कि हम सभी को रहता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका स्ट्रेस रहेगा आपको हेयर फॉल होता ही रहेगा, हेयर रिलेटेड इश्यूज आपको फेस करने ही पड़ेंगे बिकॉज स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेयर फॉल। बालों की हेल्थ कभी अच्छी नहीं हो सकती अगर आपको स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस फ्री रहिए अगर आपको अच्छे बाल चाहिए। तो योगा करिए, मेडिटेशन करिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, जिम जाइए, वर्कआउट करिए, गार्डन में जाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, म्यूज़िक सुनिए, बच्चों से बातें करिए, बच्चों के साथ खेलिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपका स्ट्रेस दूर करता है, जो भी आप लगता है आपको कि मेरा बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, बस वो एक्टिविटी करिए लेकिन स्ट्रेस फ्री रहिए। कोई हॉबी है आपकी, कोई फेवरेट पास टाइम है तो उसको करिए लेकिन स्ट्रेस फ्री आपको रहना ही रहना है। अगर आपको अच्छे बाल चाहिए, अगर आपको अपने बालों में डैंड्रफ नहीं चाहिए, अगर आपको हेयर फॉल नहीं चाहिए, अपने बालों की क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो आप
आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना ही होगा। वैसे तो अभी तक मैं आपको 10 हेयर केयर टिप्स दे चुकी हूँ, वो टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये वीडियो मैं कोई स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रही हूँ, बस जो मैं करती हूँ वो आपको बताती चली जा रही हूँ, तो अभी मैं आपके साथ लास्ट एक और टिप शेयर करने वाली हूँ हेयर ट्रिमिंग से रिलेटेड। काफ़ी सारे लोग हेयर ट्रिमिंग नहीं करवाते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली हेयर ट्रिमिंग कराते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे बाल बढ़ते ही नहीं हैं। सो गाइज, मैं तो अपने बालों की ट्रिमिंग 4 से 5 महीने में एक बार करवाती हूँ और हार्डली 1/2 इंच आपको हेयर ट्रिमिंग करानी होती है। सो हेल्दी हेयर के लिए हेयर ट्रिमिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर ट्रिमिंग के भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं गाइज। सबसे पहले हमारे स्प्लिट एंड्स वो ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा हमारे बाल हेल्दी दिखते हैं, बालों में वॉल्यूम आता है अच्छा खासा जब हम हेयर ट्रिमिंग कराते हैं, और तीसरा बालों की ब्रिटलनेस ख़त्म होती है। तो सो गाइज, ये थे वो हेयर केयर टिप्स जिनको मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे, फॉलो करिए इनको, आपके भी 90% हेयर रिलेटेड इशूज सॉल्व हो जाएंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।